हथियार उड़ा देख रहे हैं पल पल। आज राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को लेकर के रोडवेज का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह लंबे रूटों के लिए निकलने वाली रोडवेज बसों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय पर ही रवाना कर दिया गया, लेकिन इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर दिया। हालांकि फतेहाबाद में प्राइवेट बसों की संख्या अधिक होने के चलते यात्रियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। प्राइवेट बसें सवारियों को लेकर के जाती हैं, ये साफ तौर पर नजर आए। वहीं रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड परिसर में पहुँच करके सरकार के खिलाफ नाराबाजी की गई और प्रदर्शन भी किया गया। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि उनकी ओर से आज पूरा दिन चक्का जाम रखा जाएगा। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा सरकार जो रोड सेफ्टी बिल लेकर के आई है, उसे कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कर्मचारियों की काफ़ी मांगें पूरी नहीं हो पाई। इसी को लेकर के आज ट्रेन यूनियन द्वारा हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए हैं। वहीं फतेहाबाद रोडवेज के GM RS पुनिया ने बताया कि सुबह उनके द्वारा कई लंबे रूटों पर रोडवेज की बसें रवाना कर दी गई थी, लेकिन अब कुछ शरारती तत्वों के आ जाने से रोडवेज की बसें नहीं चल पा रही हैं। कुछ अधिकारियों के निर्देश पर हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पल पल फतेहाबाद से राजेश बाबू की विशेष रिपोर्ट। आज ये पूरे राष्ट्र लेवल पे तमाम 11 के 11 जो जन संगठन हैं और जब तमाम जितने कर्मचारी हैं, हवाई जहाज से लेकर के रिक्शा तक के तमाम मजदूर किसान आज अपने जन विरोधी जो नीतियां हैं सरकार की, उसको लेकर के तमाम लोग अपने सड़कों पे हैं। आज जो लगातार रोड सेफ्टी बिल का है, नागरिकता बिल ऐसे लेकर के आ रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे और आर्थिक मंदी के कारण आज जो 2.5 लाख जो साथी बेरोजगार हो गए हैं, उसको लेकर के आज तमाम मांग मुद्दे को लेकर के आज तमाम के तमाम मजदूर कर्मचारी छात्र सभी के सभी हड़ताल के ऊपर है। तो क्या प्रमुख मांगे हैं रोडवेज कर्मचारियों? हरियाणा रोडवेज की जो रोड सेफ्टी जो बिल लेके आई है, वो एक हरियाणा रोडवेज का जो ड्राइवर है वो अपनी नौकरी पूरी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के जो जुर्माने थोपे गए हैं, जिस प्रकार की जो सजा चढ़ाई गई है, उसके अंदर रोडवेज का कर्मचारी नहीं, वो चाहे तमाम आदमी हो उनके ऊपर भी वो लागू होगा। इस प्रकार कोई भी इंसान यहाँ नहीं चल सकता। जब तक हरियाणा के अंदर रोडों की कोई सुविधा नहीं है तो एक्सीडेंट दुर्घटना होने की काफ़ी संभावना रहती है। इस प्रकार हमारे जो कर्मचारियों की और जनता की जोखिम में भरी वो जीवन रहते हैं। तो एक दिन की हड़ताल की गई है? आज ये एक दिन की पूरी हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के आह्वान के ऊपर हमारा एक दिन की हड़ताल। आगे क्या रहेगा आपका? अभी हमारे आगे निर्णायक जो आंदोलन होगा, कोई बात होगी तो जो केंद्र की कमेटी होगी वो हमारे को बता देगी। आज ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी एक दिन। तो कोई बसें नहीं चल रही आज? आज किसी प्रकार की कोई बसें नहीं चली है, ना किसी ने तेल लिया है, ना कोई किसी ने टिकट काटी है। आज पूर्ण रूप से तमाम की तमाम साथी वर्कशॉप के कल रख के सारे के सारे हड़ताल के ऊपर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव कुमार शोरान। सुबह सुबह तो हमारे सारे टाइम चले गए जी। अब कुछ शरारती तत्व आ गए हैं दूसरे डिपार्टमेंटों से, वो ये कह रहे हैं कि हम बस नहीं चलने देंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की हिदायत है, अगर कोई ऐसे कानून की उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।